अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ट्रेनर खुर्रम। और आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे एक्सेल में, तो डैशबोर्ड के बारे से बात करेंगे। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इसको यूज़ करने का। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सो बेसिकली डैशबोर्ड एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद अगर उन्हें हमें ग्राफिकल फॉर्म में करना पड़ता है प्रेजेंट बेसिकली, तो उसको प्रेजेंट करने को बेसिकली हम लोग कहते हैं डैशबोर्ड। कि हम उसमें ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और उसे एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ कर कर उसे एक अच्छा लुक देंगे, और ताकि हमें पता पड़े कि भाई परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि भाई इतना हमने इतनी सेलिंग करी है, फिर इस महीने इतनी इनकम हुई है, इतना एक्सपेंस हुआ है हमारा, या इतनी लाइबिलिटीज़ हम भी कंपनीज पर है। तो ये सारे प्रोसेस जो है हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब जब हम ग्राफ के थ्रू उसको शो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उसकी परसेंटेज भी आ रही होती है, तो इसको बेसिकली कहते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में अभी हम लोग आज यूज़ करेंगे डोनट चार्ट का, और डोनट चार्ट की हेल्प से डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ये डेटा हमारे सामने मौजूद है, इस डेटा को थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सेल्समैन दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे सेल्समैन के नेम हैं, और यहाँ पे रीजन्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे दी हुई उनकी अमाउंट परसेंटेज फॉर्म में। तो कह रहे हैं कि सारे सेल्समैन ने ईस्ट में, नॉर्थ में और वेस्ट में सेल करी है, और कितने कितने परसेंट सेल करी है वो आपको यहाँ पे इंडिविजुअली दिखा रहे हैं। तो अब इन्हीं की अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें डोनट चार्ट में कन्वर्ट करके इसको डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो अब ये कैसे होता है प्रोसेस, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात ये कि हम आएंगे अपने इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद आपको दिखा दूँ जो डोनट चार्ट जो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज की क्लास में वो कैसा होता है। तो वो चार्ट के सेक्शन में आएंगे आप, ये तक डोनट चार्ट का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर। इसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो इसमें जब यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डोनट चार्ट। बेसिकली डोनट चार्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो उसको देख लेते हैं अभी। अच्छा, उससे पहले कोई चीज़ करनी पड़ेगी इसमें कि आपको हर परसेंटेज को 100% से माइनस करना होगा। उसका रीज़न क्या है उसको आपको आगे पता पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इक्वल टू प्रेस किया, यहाँ पे लिखा 100%, और 100% कर दिया हमने माइनस इसकी परसेंटेज से, 42 से। यहाँ पे कर देंगे एंटर, और ऐसे ही आप सबको कर देंगे सेम एज प्रीवियस। माइनस बाय दिस परसेंटेज इक्वल टू 100% माइनस बाय दिस परसेंटेज, इस तरह से। ये करने के बाद डेसिमल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, पॉइंट के बजाय जो नंबर आता है वो डेसिमल में काउंट होता है, तो उसको हम डेसिमल ख़त्म कर देंगे यहाँ से। डेसिमल रिमूव करने का एरिया ये वाला है, नंबर के ग्रुप में ये वाला। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा होम मेन्यू के अंदर, इस तरह से। उसके बाद आप सेल साइज थोड़ा कम कर दीजिए, इतना काफ़ी है। अब स्टार्ट करते हैं चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं। तो जब भी हम चार्ट को इंसर्ट कर रहे हों बेसिकली हमें ये ख्याल रखना है कि हमारी जो सिलेक्शन है वो डेटा में नहीं हो, हमारी सिलेक्शन डेटा के बाहर हो, लाइक कि ब्लैंक सेल पर हो। ये इस बात का हमें लास्ट में ख्याल रखना है। तो हमने बाहर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने क्लिक किया डोनट चार्ट पर, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट वाला डोनट चार्ट। इस तरह से करने के बाद हमें अब डोनट को यहाँ पे क्रिएट करना है। भी सिंपल एक ब्लैंक शेप आपके सामने खुलकर आ गया है, आप इस पर ही राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट डेटा पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप के पास एक विंडो खुल के लिखा होगा सेलेक्ट डेटा सोर्स। इसमें हमें क्लिक करना पड़ेगा ऐड पर, हम ऐड पर क्लिक करेंगे बेसिकली ताकि हमें इसमें चार्ट्स को ऐड कर सकें जो जो इसकी सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मुझे 20 टाइम 1 लिखना है, यानी कि 20 दफ़ा 1 लिखना है। उसका पर्पस क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो सीरीज़ ये बनी हुई आ रही है, ये पूरी एक ही सीरीज़ है ना, इसी तरह मेरे पास मल्टीपल सीरीज़ और आ जाएँ, तो जो मेरा चार्ट है वो थोड़ा लुक वाइज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे और 1 इस तरह टाइप करेंगे 20 दफ़ा से। तो इस तरह हम लोग 20 दफ़ा टाइप कर लेंगे इसको बेसिकली, और करने के बाद सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी सीरीज़ बढ़ जाएगी और हमारे चार्ट का लुक कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये होने के बाद हम समय से अभी फिलहाल ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद ये जो नीचे आपको लेजेंड कीज दी हुई होती है इसको आप रिमूव करते हैं पहले से। और रिमूव करने के बाद आप ऊपर आए, लिखा हुआ चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में आप लिख दीजिए कि आप किसका क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं ईस्ट का चार्ट, तो ऊपर लिख देंगे हम ईस्ट। लिखने के बाद अब ये जो सीरीज़ आपके सामने दिख रही है आपको, ये मल्टीपल कलर्स में है, तो इनको एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, और करने के बाद आएंगे इनके फॉर्मेट मेन्यू में,
और फॉर्मेट मेनू में आने के बाद आप जाएंगे शेप फिल में, ये रहा, और क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक कलर दे देंगे, जिस तरह से दे देंगे अभी फिलहाल ऑरेंज कलर। ये कलर देने के बाद अब जिस तरह से इसके सीरीज में कलर हुआ हुआ था उसी तरह से इसके बैकग्राउंड पे भी कलर हुआ हुआ, ये वाइट कलर का, इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे शेप फिल पे जाकर नो फिल। तो जब यहाँ से नो फिल करेंगे तो इसके बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा, और इसी तरह लोग शेप की आउटलाइन भी कर देंगे नो आउटलाइन। तो इस तरह हमारे पास एक ग्राफ बन चुका है डूनर चार्ट की हेल्प से, और इसको अभी हमें और अपग्रेड करना है। तो फिलहाल अभी हमने इसको उठा के यहाँ ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको लिखा है मिलना है ईस्ट, लेकिन ईस्ट की जो परसेंटेज मौजूद, देखिए भाई ईस्ट में 42% सेलिंग हुई है। तो ये ग्राफ में ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे, सीरीज पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन लिखा होता है सेलेक्ट डेटा, दोबारा क्लिक करेंगे सेलेक्ट डेटा पे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है ऐड पर। और इसमें इस वक्त फिलहाल आपके पास दो चीज़ें आ रही होंगी, पहली सीरीज नेम और सीरीज वैल्यू। तो सीरीज नेम में हम बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं ईस्ट का, तो हम यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट कर लेंगे ईस्ट को, और सीरीज वैल्यू में कट करेंगे यहाँ से, जो इसमें ऑलरेडी दी हुई होगी वो सब कट कर देंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दोनों अमाउंट 42 और 58। अब ये दोनों अमाउंट क्यों सेलेक्ट करेंगे, उसका पर्पज़ ये था कि अगर ईस्ट में सेल हुई है 42 ये, तो जो ब्लू एरिया है वो 42 का एरिया है, और जो ऑरेंज है वो ब्लैंक एरिया, ताकि पता पड़े कि अभी हाँ कितनी सेल हुई है, कितना ब्लैंक है अभी, रहने कितना रिमेनिंग एरिया है। तो रिमेनिंग एरिया के लिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे जो इसको बेसिकली 100 से माइनस किया था इसकी परसेंटेज को, यहाँ कर देंगे फिलहाल ओके, और करने के बाद यहाँ से भी कर देंगे इसको ओके। अच्छा, दोनों जगह ओके करने के बाद अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो सीरीज आ रही है, एक तो अंदर है जो सीरीज वन के नाम से, और एक ऊपर जो कि ईस्ट के नाम से। तो इन दोनों सीरीज को कंबाइन करना होता है बेसिकली, तो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सीरीज पर ही, और जाएंगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे बेसिकली ईस्ट वाली सीरीज को कवर करना है सीरीज वन के ऊपर, तो सिंपली मैं ईस्ट वाली सीरीज पर टिक कर दूंगा। यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए इस तरह वो उस पर कवर हो जाएगा बेसिकली। अब ये सब होने के बाद अब बेसिकली इसको एडिट करना है, तो जो ब्लू एरिया है बेसिकली हम इसे राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज। जैसे इसका फॉर्मेट डेटा सीरीज ओपन हो जाएगा तो फिर आप डबल क्लिक करेंगे ब्लू वाली सीरीज के ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद आप आएंगे इसके फिल कलर में यहाँ पे, और फिल कलर में आने के बाद यहाँ पे आप इसको कर देंगे नो फिल बेसिकली, और नो फिल करने के बाद जो इसका ऑरेंज वाला एरिया उस पर क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे सॉलिड फिल, और कलर कर देंगे इसको वाइट, और हल्की सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे ताकि उसको थोड़ा लुक आ जाए और पता पड़े हमें कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसकी सेलिंग है और कितना उसका रिमेनिंग एरिया है बेसिकली। तो ये हमने बनाया ईस्ट का चार्ट। ये करने के बाद हम सिंपल इसके अंदर ही आएंगे सेल में और कुछ सेल्स कवर करेंगे, करने के बाद इसको कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे सेल के अंदर, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे ईस्ट वाला सेक्शन 42%, देन एंटर कर देंगे इसको। अब यहाँ पे जो भी काम होगा वो कीबोर्ड से होगा, आपका माउस से नहीं होगा, क्योंकि ये सेल माउस से सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ट ड्रॉ हुआ हुआ बेसिकली। तो यहाँ पे कीबोर्ड से काम करेंगे सिलेक्शन के लिए, और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज का साइन, और इसको सेंट्रल अलाइनमेंट कर देंगे, साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे यहाँ से इसका, और कलर भी चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आकर हम लोग इसका बेसिकली कंटेंट जो भी चाहे उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसका इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल बेसिकली। सो यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल्स पे फिलहाल अप्लाई कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो जो भी सही लगेगा उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे बेसिकली इस तरह से। तो ये बना है हमारा एक ईस्ट का चार्ट। इसी तरह हम लोग नॉर्थ का बनाएंगे और वेस्ट का बनाएंगे, बट प्रोसेस शुरू से नहीं होगा क्योंकि हम क्या करेंगे इसकी डुप्लीकेट निकाल लेंगे। किस तरह? कंट्रोल दबाया और कंट्रोल डी प्रेस करें आप इसके लिए, इसकी डुप्लीकेट निकल के आ जाएगी। इसको पकड़ कर हम साइड में करेंगे इस तरह से, और जहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको इस तरह ईस्ट वाले को, और यहाँ पे फिलहाल कर देंगे अभी हम लोग नॉर्थ, क्योंकि अब ये बेसिकली नॉर्थ के क्रिएट हो रहा है चार्ट। और अब इस चार्ट के ऊपर डबल सीरीज है, एक तो बैक एंड वाली है और एक इसके ऊपर जो ऊपर ईस्ट की सीरीज ऐड हुई हुई है। तो हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाली सीरीज, एक क्लिक कर वन क्लिक करके, और प्रेस कर देंगे डिलीट का बटन कीबोर्ड से। तो इसने क्या किया, इसने जो इसकी ईस्ट की सीरीज थी उसे रिमूव कर दिया है। तो क्लिक करेंगे इनकी सीरीज के ऊपर, और यहाँ पर इनको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कर देंगे डिफरेंट,
यहाँ से हम कर देंगे डिफरेंट कलर प्रोवाइड, जैसे कि लाइट ग्रीन। करने के बाद अब वही सेम प्रोसेस, आप दोबारा चार्ट पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सेलेक्ट डेटा पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अगेन आएंगे अपने ऐड बटन पर, और अब इसमें ऐड करेंगे नॉर्थ का डेटा। तो सीरीज नेम में आ जाएगा नॉर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, और सीरीज वैल्यू जो इसमें ऑलरेडी दी हुई है इसको पहले कट करेंगे, और करने के बाद इनकी जो वैल्यू नीचे दी हुई है इनको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके करेंगे यहाँ से। तो अगेन ओके करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अगेन जो डेटा था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको कंबाइन कर देंगे, कहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जाकर यहाँ पे कर देंगे टिक एंड देन ओके। अब इसको एडिट कर लेंगे, बेसिकली डबल क्लिक करेंगे ब्लू पर और उसको कर देंगे नो फिल, और डबल क्लिक करेंगे ऑरेंज साइड पर, इसको कर देंगे बेसिकली सॉलिड फिल, और इसका कलर हम कर देंगे वाइट बेसिकली, और हल्के से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देंगे यहाँ से। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के बाद अगेन आप इसके सेंट्रल एरिया में आएंगे, कीबोर्ड की हेल्प से सिलेक्शन करेंगे और मर्ज कर देंगे सेल को, और इक्वल टू प्रेस कर सेलेक्ट कर लेंगे सेकेंड परसेंटेज नॉर्थ की, और इसको अप्लाई कर देंगे परसेंटेज का साइन, देन सेंट्रल अलाइनमेंट, और कलर यहाँ से चेंज कर देंगे इसका टेक्स्ट का, और यहाँ से इसको कर देंगे बेसिकली फॉन्ट स्टाइल चेंजेस का यहाँ से। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो ठीक लगे आपको वो कर सकते हैं, इस तरह साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे कंटेंट का इस तरह। तो ये नॉर्थ का भी क्रिएट हो गया इस तरह हमारा चार्ट, और इसी तरह हम लोग बेसिकली वेस्ट का भी क्रिएट कर लेंगे। तो मैं वेस्ट का भी क्रिएट कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर। सो बेसिकली यहाँ पे वेस्ट का भी जो चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब इसमें कुछ एडिटिंग कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग बेसिकली अभी लोग सेल्समैन का देख रहे हैं रिजल्ट, तो ये सारे सेल्समैन का भी शो कर रहा है। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल का देखना चाहें तो बहुत सिंपल है, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटा पर, और क्लिक करने के बाद हम आएंगे पिवट टेबल एनालाइज पर, ये मेन्यू है, और यहाँ पे आने के बाद क्लिक कर देंगे इंसर्ट स्लाइसर पर। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह डेटा बेसिकली फिल्टर करना है। तो हम टिक करेंगे सेल्समैन पर और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे कंप्लीट सेल्समैन का नेम, उसके साथ ही हम यहाँ पे इसको कर देंगे ट्रिपल कॉलम। यहाँ पे इसको हम देखें अभी एक कॉलम में, इसको यहाँ पे कर देंगे थ्री कॉलम्स, फिर तीन कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी विथ थोड़ी इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। इसको उठा कर हम बेसिकली टॉप पर ले जाएंगे, टॉप साइड पर इधर। ये करने के बाद अब जहां पर भी आप क्लिक करेंगे किसी भी एम्प्लॉय का नेम पर बेसिकली, तो वो उसी का रिजल्ट आपको शो करेगा, और ग्राफ भी आपस में मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट इस तरह। अच्छा, उसके साथ हम एक काम करेंगे कि ऊपर लिख देंगे सेलिंग ऑफ दिस एम्प्लॉय, सेलिंग ऑफ दिस एम्प्लॉय, वट एवर। तो ये करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और इसको हम आपस में मर्ज कर देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कॉनकैटिनेट का इस तरह से, और हमारी जो बेसिकली कंडीशन कहती है कि सेलिंग ऑफ एम्प्लॉय हमें यहाँ पे लिखना है, तो सेलिंग ऑफ के बाद थोड़ा गैप देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर अगेन थोड़ा कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय का नेम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एम्प्लॉय, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा कैपिटल कर लीजिए, देन लार्ज कर लीजिए इस तरह से, और आप चाहें तो यहाँ से आके कोई हेडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए इसको इस तरह। ये करने के बाद आप इसको हल्का सा एडजस्ट कर दें इसी के अकॉर्डिंग, और इनकी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे माइनस किया था 100 से, इसको हम फिलहाल कर देंगे वाइट कलर में कन्वर्ट। इसको रिमूव मत कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर देंगे वाइट कलर में कन्वर्ट। ये करने के बाद आपने जो डेटा था बेसिकली आपका, आपने उसको क्रिएट कर लिया है नॉर्मली, और अब आप जहाँ क्लिक करेंगे आपका डेटा उसी तरह बेसिकली मूव करेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, ऊपर नाम भी उन्हीं का लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग ग्रिड्स को ऑफ करते हैं ताकि एक लुक बन जाए, और देखें इस तरह से जहाँ आप क्लिक कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा डैशबोर्ड जो है मूव कर रहा है, और उसी बंदे की, उसी एम्प्लॉय की, उसी सेल्समैन की हमें सेल्स बता रहा है कि इस एम्प्लॉय ने, इस बंदे ने या फिर इस सेल्समैन ने इतनी सेल्स करी है ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है डैशबोर्ड का, जो कि हम बेसिकली क्रिएट करते होते किसी भी कंपनी के लिए।
तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको कुछ बेनिफिट मिले हैं, जो कि लाजमी सी बात है कि आपको बेनिफिट मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh